हे हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज चुके हैं और भाई ये हमारा डेली ब्लॉग का तीसरा दिन है। भाई हम को आज किधर काम करना है, ये हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि भाई मेरे को ऐसा किस जगह जाना चाहिए। अब अक्कड़ बक्कड़ करके आज हम काम करने जाएंगे, भाई आज हम काम किधर करेंगे? तो निकलते हैं थोड़ी देर बाद घर से, तो फिर हम बताएंगे कि आज कहाँ गए हैं। आज का यहाँ का काम हल्के में निपटा के वापस जा रहे हैं। मुझे अपनी ही बाइक से प्यार हो जाती है भाई, अभी हर दफ़ा। भाई मैं यहाँ पे कल काम कर रहा था और अपना ऐसा 150 रुपये का एयरफोन जो था हमारा सोनी का ब्लूटूथ वायरलेस वाला, उसे हम छोड़ दिया था। और मुझे भाई ऐसा होश वो ही नहीं कि मैंने इसे घुमा दिया है। आज आया तो देख रहा भाई ऐसा पड़ा हुआ टेबल पे, मतलब बहुत सुंदर। चीज़ें बुलाने की हमारी जो आदत है पता नहीं कब जाएगी। भाई अगस्त ख़त्म होने वाला है और जो ये टाइम होता है बरसात का, भाई बारिश की तो ऐसा नामो निशान नहीं है भाई, और गर्मी अलग से लग रही है दोस्त। अभी मैं ऐसा टेम्परेचर चेक करूँ ना बॉस, तो बहुत बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ऐसे 36-37 होगी भाई अभी, मतलब गर्मी वाला टेम्परेचर अभी है यहाँ पे। इसमें गाना बजता ना भाई। डेढ़ हजार घंटे से हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसा रेड बत्ती जो है ग्रीन में बदलेगी और मैं कैसा भिन से उड़ के भागूंगा यहाँ से। भाई बारिश की वजह से हम रुके हुए थे, सोचे थोड़ा अच्छा बारिश होगा तो हमारी बाइक धुल जाएगी, पैसे बच जाएंगे, पर भगवान को यह भी मंजूर नहीं है। हल्की सी बारिश होकर रुक गई, पर मौसम है जो सही बन गया है बॉस। और अब मैं ऐसा अपनी व्हीकल को पहली बार रेन मोड में ट्राई कर सकता हूँ। देखो मुझे जो है ना ऐसा अपनी बाइक की रेन मोड टेस्ट करनी थी, तो भाई हमने बारिश करवा दी। मतलब देख रहे हो ना हमारी पकड़ पहुँच ऊपर तक है भाई, मतलब कुछ भी कर सकते हैं भाई। तुम्हारा भाई जो है अंतर्यामी है, मतलब तुम जो चाहो वो तुम कर सकता है। ये इंसान बारिश करवा दी, अभी तुम बिलीव करोगे 2-4 घंटे में धूप करवा देंगे तुम। सब कुछ पॉसिबल है भाई हमारे पास। और यदि हेमंत जी हमारे स्वागत में ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं, भैया ऐसा अच्छा नहीं लगता, तुम जाइए आप काम वाम करिए। अगर मैं अभी इस बारिश में भीग जाता हूँ तो भाई मुझे ऐसे तकरीबन 6 बजे तक भीगे हुए रहना पड़ेगा। पर मुझे बस यहाँ से 1 किलोमीटर और जाना है अपने आज की जो डेस्टिनेशन है उधर, और मैं रुकना नहीं चाह रहा भाई कि भाई ये बारिश का मुझे भरोसा नहीं कि भाई कब तक चलेगा। तो बड़ा दिक्कत है भाई बारिश की मौसम। भाई आज तो खतरनाक बारिश हो रहा है। साहब ये जो खतरनाक बारिश हुई ना, आज का दिन हमारा एकदम खराब हो गया भाई, क्या ही बताए तुम्हें। बहुत भयंकर बारिश हुआ है बॉस। आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? अप्रॉक्स 8, 10, 12, 14, 16, 18 घंटे तक कर सकते हैं। चलो मान लिया 20 घंटे। मैं भाई 50 घंटे काम करता हूँ, समझ रहे हो ना? भावनाओं को समझो, इंसान जो है बहुत काम करते हैं। चेहरे पर देखो डार्क सर्कल, भाई इसी वजह से आ गई है। तुम लोग बोलोगे इंसान जो है। खैर चलो कोई नहीं, अब यहाँ से हम निकलेंगे थोड़े वक्त के बाद। हे हाय, अभी शाम के 4:56 हुए हैं। मैं आधे घंटे 40 मिनट पहले ऐसे अपने वो साइट से निकला, फिर मुझे ऐसा जोर का भूख लग गया भाई। तो मैं बोला क्या कुछ अच्छा खाना चाहिए, फिर मैंने ऐसे तुम कार्ड लगाया। तो मेरा एक फ्रेंड इधर रहता है, तो भाई मैंने उसे ऐसे कॉल लगाया और बस पहुंच गया उसके घर। मस्त दाल चावल सब्जी खा के उसके यहाँ से निकल पड़े।
और अभी अपने पास थोड़ा और टाइम है तो एक विजिट तो और हो सकता है अपना। भाई ऐसा है कि मैंने जो दोपहर में भीगा था अब तक वो ऐसा सारा सूख चुका है, मतलब भाई ऐसा तन बदन सब भीग चुका है, मतलब सारे कपड़े भीग रखे थे अपने। और अब तो अब ये हाल है कि भाई वो वैसा पूरा लगभग लगभग सूख गया है। तो इंसान हॉट है तो टेंशन वाली बात नहीं है, भीग जाता है तो कोई टेंशन नहीं होती। वैसे हाँ दो चार दिन के लिए इंसान बीमार हो जाता है उसमें भी कोई टेंशन नहीं है भाई, मस्त घर पे दवा खा के इंसान सोता रहता है। हे हाय, रात के ऐसा 10:40 हुए, अपन जो है तकरीबन 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई बारिश ख़त्म होगी तो इंसान निकलेगा, तो दोस्त बारिश अभी भी रुकी नहीं है, पर इंसान के पास अब पेशेंस नहीं है रुकने का, तो इंसान जो है अब सीधा घर से आएगा। पता नहीं ये वीडियो मैं आज एडिट करूँगा या कल, पर ये वीडियो कल शाम में आपको मिल जाएंगे। ऐसा है कि घर वाले का दूसरा नहीं अभी तीसरा कॉल आ गया, दो बार भाई का आ चुका है, एक बार अभी पापा का। तो भाई अब जो है ऐसा SOS मोड में घर जाना पड़ेगा, वरना जो है डैड नाराज़ हो जाएंगे। भाई जो बारिश है ना वो मतलब ऐसा रांची के मौसम का हाल क्या ही बताएं, कभी भी आपको ऐसा परेशानी में डाल सकती है वो। दिन में सुबह में लग रहा था भाई कि बारिश तो होगी ही नहीं, पर भाई आज जो बारिश हो गई है ना उससे दिल खुश हो गया है और थोड़ा मन उदास भी हो गया है। घर जल्दी जाना था बट इस बारिश ने हमारा ऐसा रास्ता रोक रखा था। और ये हम ऐसे छोटी यमुना क्रॉस करते हुए, मेरा जूता भी फिर भींग गया। यहाँ के जो ऐसा वाटर टनल में वाटर क्रॉसिंग में जो मज़ा आ रहा है तो जो लद्दाख वाले वाटर क्रॉसिंग में कितना ही मज़ा आता होगा। भैया एयरटेल वाला है क्या? हेलो, दो दिन से घर वाले कब ठीक होगा? हो जाएगा, आज हो जाएगा। भाई रात के 11 बज रहे हैं और ये लोग ऐसा काम करें, सल्यूट है भाई तुम्हारे घर में ऐसा हाई स्पीड डेटा पहुंचाने के लिए, इनका जो काम है ना काबिले तारीफ है। मैं दो दिनों से मेरे घर पे इंटरनेट नहीं है, मैं इसी से सफ़र कर रहा हूँ, पर भाई ये उस चीज़ को रिसॉल्व करने के लिए भाई अभी लिटरली 11 बज रहे हैं रात के और वो ऐसा काम पे लगे हुए हैं। भाई साहब हैट्स ऑफ, मतलब क्या बोलो, और वो भी कितने पोलाइटली बोला, बातें करा इन्होंने कि भैया मैं ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। भाई थोड़ा लोगों की तुम परेशानियाँ भी समझा करो। मैं मानता हूँ जो सर्विस का जो काम करते हैं वो बहुत मेहनत का काम होता है, तो भाई थोड़ा उनको ऐसा तुम इज्जत इज्जत से बात किया करो। जनरली होता क्या है ना कि तुम किसी लोग को ऐसा जो तुम्हारे तुमने जैसे पे करा है काम के लिए उसमें फिर तुम ऐसा राजा मालिक के जैसा काम कराते हो, तो भाई वो चीज़ गलत है, तुम्हें ऐसा दूसरे एंड से भी समझने की ज़रूरत है। तो आज का ज्ञान, कोई भी वर्कर से तुम बहुत अच्छे से पेश आओगे। भाई तुम एक चीज़ अपना सही कर सकते हो, तुम भाई लोगों से बातें करने का नज़रिया, कोई वो छोटा काम कर रहा है बड़ा काम कर रहा है वो कोई काम काम नहीं होता, सारा काम एक समान होता है। तो दोस्त आज का ज्ञान का मूड हुआ हमारा ख़त्म और हम इसके साथ ही अपन घर पहुंच चुके हैं। क्या पता आज हमारी जुगनू हमारा वेट कर रही होगी या फिर वो ऐसा लंच वंच करके सॉरी डिनर विनर करके ऐसा सोने चली गई होगी। हे हाय, नया नया टी शर्ट आया भाई आज, इंसान सोचा कि व्लॉग का एंड इसी से करते हैं। तो बॉस आज के व्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द मतलब कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जो भी होता सब कुछ, थैंक्स, थैंक यू सो मच।